Hello my dear friends, this is Sarabpreet Kaur and you're welcome to Study with Sarab. Today I'm going to talk about the reading module of IELTS exam. IELTS exam mein reading mein zyada tarah ke admin ke student lag karte hain, jo maine observe kiya hai. Aur uske kuch main karan ye rehte hain, first spelling mistakes. वो बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ध्यान से आंसर नहीं नोट करते हो, जल्दबाजी में आंसर लिख देते हो या फिर सोचते हो कि मुझे तो आंसर्स आते हैं. उस टाइम पे अपने आप पे विश्वास मत कीजिए, बिल्कुल वही आंसर्स नोट कीजिए जो आपके पैसेज में दिए गए हैं. सिक्स मिस्टेक करते हैं कि आप लोग अपना फोर्थ आंसर फिफ्थ पे, फिफ्थ आंसर सिक्स्थ पे नोट कर देते हो. बुकलेट पे राइट जगह पे है लेकिन जब आप ट्रांसफ़र करते हो उस टाइम पे आप रॉन्ग उसको ट्रांसफ़र कर देते हो और आपका बहुत सारा स्कोर नीचे चला जाता है. थर्ड चीज़ जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों की, उन्हें यही नहीं पता कि उनका वीक सेक्शन कौन सा है, किस सेक्शन की वजह से उनका स्कोर डाउन जा रहा है. ट्रू फॉल्स है या मैच द हेडिंग्स हैं या फिर उनका एमसीक्यूज हैं या फिर समरी कम्प्लीशन है. कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसकी वजह से आप कमज़ोर पड़ रहे हो, जिसकी वजह से आपका स्कोर बढ़ नहीं रहा, उसको ढूंढिए. जब ढूंढ लिया उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है कि उस सेक्शन को इम्प्रूव कैसे करें. कभी भी पूरी की पूरी रीडिंग मत कीजिए. अगर आपको पता है आपका सेक्शन कौन सा वीक है तो सिर्फ वही सेक्शन उठाइए. फॉर एग्जांपल आपके हेडिंग्स वीक हैं, हेडिंग्स के लिए आप 10-15 हेडिंग्स को रेगुलरली एक साथ कीजिए. जब आप एक साथ 14-15 हेडिंग्स कर लोगे तब आपको पता चलेगा दैट वेदर आई एम इम्प्रूविंग और नॉट. और इम्प्रूवमेंट एक ही चीज़ के ऊपर लगातार काम करने से आती है, ना कि 10 चीज़ों के ऊपर एक साथ काम करने से. आप 10 टाइप के क्वेश्चन कर रहे हो एक रीडिंग में, 40 क्वेश्चन तो आपने कर लिए, स्कोर आपका वही रह जाएगा. फिर 10, फिर 15, फिर 20, 23 के ऊपर नहीं जा पाओगे फिर. और अगर आपको 7 लेने तो 30 के पास भी नहीं जा पा रहे हो आप लोग. तो उसकी वजह, उसका जो इम्प्रूव करने का मेथड है, जो भी सेक्शन वीक है उसके 10, 15, 20 लगातार उसको करो. लगातार 4-5 दिन के लिए वही एक सेक्शन को घर आके इवनिंग में, सुबह जब भी आपको टाइम लगे उसी सेक्शन के ऊपर फोकस कीजिए. फिर आपका जो अदर वीक सेक्शन है अगले हफ्ते उसको उठाइए. तो इस तरीके से जब आप करोगे देन यू विल इम्प्रूव ईजिली. फिफ्थ एंड द गोल्डन स्टेप एंड द गोल्डन थिंग, जो टाइम लेगी but it will ensure that you will even increase your score more than 7. आप 7 से भी ज़्यादा जाओगे, 8 भी ले सकते हो, 9 भी ले सकते हो. वो है ट्रांसलेशन, जो कि कोई आपको नहीं कहता कि आप ट्रांसलेशन करो और उसके सिर पे आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव करो. बट दिस इज़ द ओनली थिंग दैट कैन इम्प्रूव योर रीडिंग स्कोर enormously. बहुत ज़्यादा अच्छे से इससे स्कोर इम्प्रूव होने वाला है. और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, जब भी आप घर पे बैठे हो, फ्री बैठे हो, एटलीस्ट एक पैसेज को आप अंडरस्टैंड कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की कोशिश कीजिए कि उसमें जो पैसेज का राइटर है वो क्या कह रहा है, किस लाइन की क्या सेंस निकल रही है. जब आप उसको जल्दी जल्दी ट्रांसलेट करना सीख लोगे देन यू विल इम्प्रूव योर रीडिंग स्कोर सो मच. आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका स्कोर कितना ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है, ठीक है. और इसमें 1-2 दिन की बात नहीं है, इट विल टेक टाइम. उसके लिए जितना टाइम आप देर, जितना ज़्यादा टाइम दोगे, जितना ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करोगे उतना जल्दी होएगा, और जितना कम ट्रांसलेशन करोगे उतना लेट होगा. और अगर आप ट्रांसलेशन नहीं कर रहे इट विल नॉट हेल्प यू, आपका स्कोर नहीं इम्प्रूव होगा. दिस इज़ द ट्रूथ. अगर मैं आपसे झूठ बोलूं कि 10 ट्रिक्स हैं, 10 टिप्स हैं जिसकी वजह से आपका स्कोर 7 से ऊपर चला जाएगा, ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं है, देन इट विल बी अ लाई. वो झूठ होगा, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अ लाई. ट्रांसलेशन के बिना, अंडरस्टैंडिंग के बिना रीडिंग इम्प्रूव नहीं होती. अगर टिप्स और ट्रिक्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए होते हैं. टिप्स एंड ट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ आपके टाइम मैनेजमेंट के लिए होते हैं कि आप थोड़ा जल्दी कर लो. अगर आप पैनिक कर रहे हो उस टाइम पे आपको क्या चीज़ चाहिए, या जब आपका टाइम कम पड़ रहा है आप उस टाइम पे उनको यूज़ कर सकते हो. लेकिन पूरी रीडिंग के लिए सिर्फ टिप्स के सहारे आप नहीं रह सकते, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशन ही आपको हेल्प करेगा. और कौन से सेक्शन को किस तरीके से इम्प्रूव करना चाहिए या किस तरीके से उसकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बिल्ड करनी है, आई विल शेयर इन अनदर वीडियो. स्टे ट्यून्ड विद मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.